नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से बहुत दिनों बाद हमारे खास प्रोग्राम और आपके पसंदीदा शो सितारों का आईना में, जिसमें हम आपको बताते हैं इंडस्ट्री से जुड़ी सोशल मीडिया पर रिलीज होने वाली किसी फिल्म, नाम, चेहरे, हस्ती, गाने, ट्रेलर का आईना, जो होते हैं उनके दर्शक, जो हर अच्छे बुरे भले को जज करके पहुंचाते हैं उन तक अपने कमेंट्स के जरिए, अपने व्यूज के जरिए और अपने प्यार के जरिए, और उसी प्यार को हम इस प्रोग्राम में कमेंट के जरिए दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले ही होली आने वाली है, लेकिन होली की तैयारियां अभी से जोरों पर हैं फिल्मी कलाकारों के बीच। तभी तो सारे सिंगर कुछ गाने रिलीज भी कर चुके हैं और कुछ की शूटिंग में व्यस्त हैं। खेसारी लाल का अभी तक एक गाना रिलीज हुआ है होली के मौके का। होली के बाद पार्ट टू है, बता रही हैं होली का बाद। और काजल राघवानी पोस्टर में दिखाई दी हैं। इससे यह अंदाजा लगाना गलत नहीं होगा कि जब इसका वीडियो सॉन्ग रिलीज होगा तो काजल राघवानी ही नजर आएंगी। लेकिन फिलहाल खेसारी के इस गाने को कितने लोगों ने सुना है, किसने खेसारी को ये गाना लिख कर दिया, किसने संगीत दिया, वो भी जानना जरूरी है। क्योंकि खेसारी पर आजकल काफ़ी सारे लोग आरोप लगा रहे हैं कि खेसारी गाने चोरी करते हैं, खेसारी ये करते हैं, वो करते हैं। इस पर खेसारी ने भी सफाई दी है कि मैं सिर्फ गाने गाता हूँ, मैं गाने लिखता नहीं हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये चोरी किया हुआ गाना है, मुझे राइटर जो लिख कर देगा मैं वही गाना गाऊँगा। तो खेसारी के इस गाए हुए गाने को लोगों ने कितना पसंद किया है और गाने को सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया दी है सकारात्मक खेसारी के फैंस ने, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले खेसारी के इस गाने से जुड़ी एक खास खबर जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। भोजपुरी के सुपरस्टार और सुपरहिट गायक खेसारी लाल हमेशा से अपनी नई नई फिल्मों के लिए, नए नए गानों के लिए और नए विवादों के लिए चर्चाओं में रहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि होली आने में अभी पूरे 1.5 महीने बचे हैं, लेकिन उससे पहले ही सारे सिंगर व्यस्त हो चुके हैं अपने होली गीतों की शूटिंग और रिकॉर्डिंग करने में। जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले खेसारी लाल का एक होली गीत रिलीज हुआ, जिसके बोल थे बता रही हैं होली के बाद पार्ट टू। इससे पहले खेसारी इसका पहला पार्ट भी गा चुके हैं पिछले साल, जिससे अब तक सोशल मीडिया पर 46 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। और इस गाने को रिलीज हुए, नए गाने को रिलीज हुए अभी सिर्फ 2 दिन बीते हैं, लेकिन इस गाने को 1.1 मिलियन लोगों ने सुना है। ना सिर्फ सुना बल्कि YouTube की ट्रेंडिंग लिस्ट में इस गाने को 39 नंबर पर शामिल किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि खेसारी लाल के इस गाने को लिखा है आजाद सिंह ने, संगीत दिया है आशीष वर्मा ने। फिलहाल इस गाने का ऑडियो सॉन्ग के रूप में रिलीज किया गया है, लेकिन जब इसका वीडियो सॉन्ग रिलीज होगा तो खेसारी के साथ काजल राघवानी नजर आएंगी, ये बात तय है। लेकिन फिलहाल इस गाने को सुनकर किसी ने कहा है कि इस साल इसी गाने को होली पर सुनकर डांस होगा, तो कोई कहता है त्योहार जवाब नहीं खे खेसारी भैया, आई लव यू। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया से ममता की रिपोर्ट। हमेशा की तरह 2 दिन बीता है इस गाने को रिलीज हुए और काफी सारे लोगों ने सुन लिया है। सुनने के बाद जिन लोगों ने खेसारी को प्यार दिया है, जिन लोगों ने खेसारी के इस गाने की तारीफ की है, उसे जानने के लिए एक नजर तो डालनी होगी उन कमेंट्स पर जो हमेशा खेसारी की तारीफ करते हैं। कैसे, देखिए। अर्जुन राज लिखते हैं शेर भाई ट्रेंडिंग बाघ खतरा सॉन्ग। रंजन दास लिखते हैं खेसारी भाई को लाइक करो, पसंद आए तो भाई प्लीज, जलने वाले जल रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। विनय बिहारी, तुमने जो बात बोली थी मुझे ऐसा नहीं लगा। मनोरंजन कुमार लिखते हैं सुपरहिट होली सॉन्ग खेसारी भैया 2019। भोजपुरी इंटरटेनमेंट लिखते हैं फैंटेस्टिक सॉन्ग खेसारी भैया, आई लव यू। लोफर बॉय लिखते हैं जियो शेर लव यू। रंजन सिंह लिखते हैं सुपर सॉन्ग, इस साल इसी गाने पर होली में डांस होगा। धीरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं आप सभी से ये उम्मीद थी, हम लोग ट्रेंडिंग पर हैं, ट्रेंडिंग है खेसारी जी, वन एंड ओनली दबंग स्टार। शशि यादव लिखते हैं मस्त खेसारी जी। प्रभु प्रेमी यादव लिखते हैं भोजपुरी के शेर खेसारी भैया। वी सीरीज लिखते हैं सुपरहिट सॉन्ग खेसारी भैया लव यू। स्टाइलिश बॉय सूरज राव लिखते हैं खेसारी भाई रॉक हैं, उनके आगे सब जीरो हैं। प्रिया मूवी लिखती हैं ट्रेंडिंग 36, वाह वाह। रोहन सिंह लिखते हैं काश हम खेसारी भैया को एक ज्यादा लाइक दे पाते, खेसारी फैन के गाने। नीतीश लिखते हैं खेसारी लाल ऑल फ्रेंड लाइक कमेंट शेयर। शातन कुमार लिखते हैं होली सॉन्ग सुपर। ईशा शर्मा लिखती हैं आप दोनों के जोड़ी बहुत अच्छी है एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर वॉचिंग दिस सॉन्ग वीडियो। राहुल कुमार लिखते हैं नाइस सॉन्ग है भाई दबंग स्टार खेसारी लाल यादव। धर्मेंद्र राय लिखते हैं आ गया दबंग स्टार का सॉन्ग 2019 का। अनुराग राय लिखते हैं अरे भाई का सॉन्ग ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिया हो। रंजीत यादव लिखते हैं सुपरहिट सॉन्ग खेसारी भैया।
ये अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट जानने के बाद वक्त चला है कुछ आलोचना भरे कमेंट्स भी जान लेने का। जहाँ इतनी फैन फॉलोइंग होगी वहाँ आलोचना भी सहनी ही पड़ेगी, और हम हमेशा अपने प्रोग्राम में आलोचना भी बताते हैं तो इसमें भी बताएंगे। खेसारी को अपने आलोचनाओं से भी कोई ऐसी समस्या नहीं होती, उन्होंने कभी शिकायत नहीं की कि लोग मेरी बुराई क्यों करते हैं। हालांकि वो अपने से जुड़ी बात बात पर आकर प्रतिक्रिया ज़रूर दे देते हैं, लेकिन उन्हें कैसी आलोचना मिलती है, किस तरह की आलोचना उनके गानों पर आती है, देखिए ज़रा। खेसारी भोजपुरी मूवीज लिखते हैं, गालियों के साथ इन्होंने लिखा है बुरा नवानो होली है, जय हो ट्रेंडिंग स्टार, लव यू। इन्होंने जो गालियाँ लिखी हैं उसकी वजह से हमें इन्हें आलोचना भरे कमेंट्स में डालना पड़ा। डोंट हर्ट अवर लवर लिखते हैं, ये सॉन्ग उतना अच्छा नहीं है जितना पहले वाला था। हमारे आगे इन्होंने एक गाने की लाइन लिखी है जो ये सुनना चाहते हैं। आशीष कोहली लिखते हैं नॉट गुड देन बता रही हैं होली का बाद वन। नरेंद्र मोदी लिखते हैं बकवास सॉन्ग। रॉकी माइविया लिखते हैं ये भोजपुरी वाले तो हर सॉन्ग में ऑटो ट्यून का यूज़ करते हैं। जितेंद्र कुमार लिखते हैं खेसारी भैया ऐसा गाना नहीं चाहिए, एकदम डांसर गाना चाहिए पूरा हाईवे। पूजा सिंह लिखती हैं घटिया सॉन्ग यार, खेसारी सर आप सुपरहिट हो तो आपको उसी क्वालिटी का सॉन्ग निकालो ना। रामचरण लिखते हैं हिंदी सॉन्ग की कॉपी सॉन्ग, लाल दुपट्टा वाली जरा नाम बता सुपर ब्रो। विनोद कुमार लिखते हैं गालियों के साथ इन्होंने खेसारी लाल के इस गाने को अच्छा नहीं बताया है। जनार्दन सिंह लिखते हैं सॉन्ग अच्छा है पर बता रही हैं होली के बाद इज बेस्ट होली सॉन्ग एवर। आदित्य तिवारी लिखते हैं गालियों के साथ कि ठीक से गीत गाओ। प्रिया कसतिया लिखती हैं बैन टू भोजपुरी इन इंडिया सिनेमा प्लीज मोदी जी। ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत नहीं है, हम हमेशा कहते हैं कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना है। और ऐसे कमेंट से निराश होने की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, और लोगों ने आलोचना की है लेकिन उससे ज़्यादा तारीफें भी हुई हैं। इसलिए आज के इस खास प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात ऐसे ही इंडस्ट्री से जुड़ी सोशल मीडिया पर रिलीज होने वाली किसी फिल्म नाम चेहरे हस्ती गाने ट्रेलर का आईना लेकर। लेकिन तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।